हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 इंग्रेडिएंट स्वीट की रेसिपी, जिसे आप झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इसमें हमने शुगर भी ऐड नहीं किया है और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कटोरी गुड़, जिसे मैंने छोटा छोटा चूर कर लिया है, जिसे ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी और गुड़ को हमें मेल्ट करना है, बस ज़्यादा पकाना नहीं है। जब गुड़ पूरा पिघल जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो इसे इस तरह से चला दें जिससे कि गुड़ जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो गुड़ है वो पूरा पिघल चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम पैन में ले लेंगे 1/4 कप देसी घी या फिर 1/4 कटोरी, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आपको सारी चीज़ें 1 कटोरी से ही मेजर करनी है, एक ही बर्तन से। और इसे हमें भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क नहीं हो जाता। गैस का जो फ्लेम है वो हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, वरना आटा जो है वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो आप इसे इस तरह से चलाते हुए भून लें। 5 मिनट में ये हो जाएगा। तो ये देखिए, आटा पूरा अच्छे से भुन गया है। कलर आप देख सकते हैं, पहले से डार्क हो गया है और थोड़ा सा घी भी रिलीज़ हो गया है। ये पहले से थोड़ा सा गीला हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेल्ट किया हुआ गुड़, और इसे हमें इस तरह से स्ट्रेनर में छान कर डालना है, क्योंकि गुड़ में भी बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं तो सारी निकल जाएंगी इस तरह से। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम पर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। इस तरह से इसे चलाते रहे कंटिन्यू, इस तरह से प्रेस भी करते रहे जिससे कि इसमें कोई भी गुठली या फिर लम्स ना हो। और इसे हमें पकाना है जब तक कि ये जो हलवा है ये पैन का बॉटम छोड़ने नहीं लगता, तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए, ये पैन का जो बॉटम है ये अब छोड़ने लगा है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से 1 छोटा चम्मच देसी घी। ऊपर से देसी घी ऐड करने से हलवे में बहुत ही अच्छी शाइन आती है और इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप ज़रूर ऐड करें 1 चम्मच घी ऊपर से। मिक्स करेंगे इसे हम, और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये जो हलवा है ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आपने देखा कि ये बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही हेल्दी है। हमने इसमें शुगर भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। तो इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़े से स्लाइस किए हुए आलमंड के साथ, या फिर आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो रेडी हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी आटे का हलवा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।